एवरीवन, बाहर बारिश शुरू हो चुकी है तो इसी बात पे कॉफी हो जाए। आप सोचेंगे कि कॉफी, और यहाँ हम पीने वाली कॉफी की बात नहीं कर रहे, हम कॉफी पेंटिंग की बात कर रहे हैं। तो आज हम, मैं आपको बहुत इजी तरीके से एक 2 रुपए या 3 रुपए का जो भी ये सेशन आता है उससे हम एक पेंटिंग कैसे बना सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। और बहुत मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत मजा आएगा ये करके देखने में भी, क्योंकि कॉफी हर एक के घर में मिल जाती है, और नहीं भी मिल जाती तो ये 2 रुपए 3 रुपए की कॉफी परचेज करने में बहुत ज्यादा पैसा लगना नहीं है। और उससे आपकी, ये देख रहे हैं, ये पूरी पेंटिंग्स जो है वो इस तरह से ये पेंटिंग्स क्रिएट की हैं, ये सारी की सारी कॉफी से बनी हुई है, ये वाली और ये वाली। और करने का जो तरीका है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये देख रहे हैं, मैंने पहले थोड़ा सा ही कॉफी निकाला है, और इसको अच्छे से पैक कर दीजिए क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेती है कॉफी। और इसके अंदर हमें इसको डाइल्यूट करना है। ये प्रिंटेड पिक्चर ले लिया हमने, और इसमें हम कॉफी लगाने जा रहे हैं। तो ये देखा है मैंने, आप इस कॉफी के कुछ ग्रेन्यूल्स लिए थे, उसमें पानी मिलाया है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके बाद जहाँ जहाँ हमें इसमें हम वो शेड क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले मैं ये लाइट कलर लगा रही हूँ। अगर आपको इसमें हम शाइन दिखाने के लिए थोड़ा सा वाइट छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो वो है फ्रूट की शाइन नज़र आए, तो इतना मैंने ये इस तरह से छोड़ दिया। ये लगाने के बाद जहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क करना है, आप थोड़ा सा ये दे दिया इसी तरह से। पहले हम एक कोट लगा लेंगे, और क्योंकि इसमें हमें हमारे पास सिर्फ कॉफ़ी ही है जिससे हम ये कलरिंग कर रहे हैं, तो हमें लेयरिंग करनी पड़ेगी। कहीं जहाँ डार्क करना है तो उसमें आपको एक बार में पूरा कलर नहीं ला सकते आप, तो उसके लिए आपको ये सूख जाने के बाद आप दोबारा लेयर लगाएंगे। पेंटिंग करते करते कॉफ़ी का मज़ा लीजिए, कॉफ़ी की स्मेल। तो इस तरह से ये मैंने जैसे ये कर दिया, ये मैंने जानबूझ के वाइट छोड़ दिया ताकि हम वो कर सकें बाद में शाइन दिखाने के लिए। और इस लीव्स में भी मैं कलर लगा देती हूँ थोड़ा सा। देख रहे हैं कितने आसानी से और कितने इजीली हमारा ये पेंट हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जब बच्चे, तो उसमें एजिंग करने के लिए पेपर की एजिंग, एज्ड पेपर दिखाने के लिए भी कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, तो वो एज्ड पेपर भी उसका कलर कुछ इस तरह का ही होता है। तो अगर आपको भी कभी एज्ड पेपर बनाना है तो आप कॉफ़ी से बना सकते हैं। ये फर्स्ट लेयर मैंने लगा दी, अब मैं इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी और निकालूंगी। अब आपको इसमें पानी कम मिलाना है थोड़ा सा, ताकि आपका जो कलर वेरिएशन आप कर सकें। तो इसमें मैं उतना पानी नहीं मिलाऊंगी जितना मैंने पहली बार मिलाया था। और ये एक प्रोडक्ट आता है मॉड पॉज, जो कि पहले हम ग्लू एंड ग्लॉस के नाम से जानते थे इसको, अभी इसका नाम चेंज करके इन्होंने मॉड पॉज रख दिया है। तो इसको भी थोड़ा सा हम, अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, तो ये आपके उस कॉफ़ी के कलर में एक थोड़ा सा वेरिएशन ले आएगा। ये देख रहे हैं जहाँ पे हमने मॉड पॉज मिलाया तो उसका कलर थोड़ा लाइट आ गया। तो आप इस तरह से भी वो कर सकते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये प्रोडक्ट हो तो ही आप ये पेंटिंग कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्लॉस लाने के लिए, यानी जब पेंटिंग आप पूरी कर लें तो उस जब ये सूख चुकी हो उसके बाद एक इसका मॉड पॉज का एक कोट लगा देते हैं, जिससे एक या दो कोट लगा दीजिए जिससे कि उसमें शाइन आ जाती है, अगर आपको किसी चीज़ में शाइन लानी है तो। खैर वो तो अलग बात हो गई। अब मैं इसका थोड़ा सा, ये देख रहे हैं जो हम ये कलर लगा रहे हैं ये थोड़ा सा इससे अलग है, जो पहले हमने कलर लगाया था थोड़ा सा डार्क है। तो ये आपको जैसे जैसे वेरिएशन लाना है, आपको कॉफ़ी से ही लाना है लाइट डार्क का, तो इस तरह से हम लाइक सब्सक्राइब। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन जब एक लेयर सूख जाए तभी आप लगाएंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। डिज़ाइन आप कोई भी चूज़ करिए वो आपके ऊपर है, ये ज़रूरी नहीं कि आप केवल जैसा मैंने डिज़ाइन चूज़ किया वही डिज़ाइन आप ह्यूमन फिगर यूज़ कर सकते हैं, आप सीनरी यूज़ कर सकते हैं, आपके जो भी आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है या जो आपको पसंद आता है आप उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन ले सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है आपसे तो उसका इतना वो मत करिएगा, आप उसकी कटिंग करके दूसरे पेज पे चिपका सकते हैं, तो उससे मत डरिएगा, आप काम करते रहिए। इस तरह से आप
इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें जितना भी वेरिएशन देना है, ये मैंने इजी मतलब एक ड्राइंग चुनी थी ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए दिखाने में। आपको जो मैंने पहले ड्राइंग्स दिखाई उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये जल्दी हो जाए इसलिए मैंने ये दिखाया आपको। अब इसमें और अगर वेरिएशन करना है आपको, लीफ में थोड़ा सा कलर और डाल सकते हैं आप, कहीं कहीं पे अगर लाइंस जैसे ये हैं, लाइंस के ऊपर थोड़ा सा किनारों पे इसको थोड़ा सा और इसका लुक इन्हेंस करना है तो आप इस तरह से कलर लगा दीजिए, मतलब कॉफ़ी लगा दीजिए। ड्राइंग सूख जाए तो आप इसको, या तो ये देख रहे हैं आप जो ये गोल्डन लाइनर है शिमर वाला, आप उससे आउटलाइन कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले वाली पेंटिंग्स में आपको दिखाया था। और अगर आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं इसमें आप, या तो इसकी दोबारा से अगर लाइन करनी है तो आप इस परमानेंट मार्कर से लाइन कर दीजिए, नहीं तो ये जो 3D लाइनर होते हैं या आपके जो ग्लिटर वाला आता है जो 5 रुपए की एक बॉटल आती है, आप उससे भी इसकी आउटलाइन कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस तरह से आप पूरी पेंटिंग को कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ इसमें डार्क करना है लाइट करना है वो आपके ऊपर है। तो आप एक कॉफ़ी पेंटिंग बना सकते हैं और कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं पेंट करते करते। ये इस तरह से आप इसको आउटलाइन कर सकते हैं लाइनर से। ये देख रहे हैं, ये आपकी इस तरह से ये पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। ये सूखने के बाद गोल्डन लाइनर जो है वो उभर करके आएगा, काफ़ी शाइन करने लगेगा थोड़ा सा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपका लाइनर ज़्यादा वो हो गया तो उसको आप ब्रश से हल्का सा वो कर सकते हैं, पतला करना चाहें तो, नहीं तो इतना फर्क नहीं पड़ता इसका। तो ये इस तरह से आप ये आपकी पिक्चर कंप्लीट हो गई। मुझे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आप भी कॉफ़ी का मज़ा लीजिए और पेंटिंग करिए। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा भी आया होगा, ख़ास तौर पे बिगनर्स और जो छोटे बच्चे हैं वो भी उन लोगों ने बहुत एंजॉय करेंगे अगर वो ये करके देखते हैं। और ये इतनी ईजी है कि कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो बिगनर हो या बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी ट्राई कर सकता है। तो आप एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा इसको बनाने की।